Mario Costa Spengolo! 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 हम लोग यहाँ एलजी साहब के दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एलजी साहब से मांग कर रहे हैं, एलजी साहब उन दोषियों पे कार्रवाई कीजिए जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो भेंट चढ़ गए। आपके अधिकारियों का बचाने का काम कर रहे हो एलजी साहब। डीडीए का नाम सुनते आप भाग खड़े हुए, भाजपा के लोग भी भाग खड़े हुए। क्या आप लोग ये देख के राजनीति करते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है? आप डीडीए का जैसे नाम आया ये अधिकारी सारे भाजपा के लोग भाग गए। एलजी साहब डीडीए के अधिकारियों को बचा रहे, उन माँ बेटे को न्याय दे। हादसा नहीं है, ये हत्या है और जब तक उन पे केस दर्ज नहीं होगा ये उनको इंसाफ लेने की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। एलजी साहब से फिर कहते हैं एलजी साहब दोषियों पे कार्रवाई करो, डीडीए के अफसरों को कार्रवाई करो। आप दिल्ली के वैसे को उछलने का आपको बहुत शौक है लेकिन एलजी साहब कम से कम उन अधिकारियों पर कार्रवाई करो जो विभाग सीधे तौर पे आपके अंदर आता है। देखिए दिल्ली के एलजी जो हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। अफसरों को कंट्रोल करके दिल्ली के सारे काम रुकवा रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं कहने के लिए कि एलजी महोदय आप इस्तीफा दीजिए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का इतना शौक है तो आप इस्तीफा दीजिए और मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए। क्यों आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के सारे काम रोक रहे हैं? डीडीए जो है वो सीधे सीधे एलजी के अंडर आता है। डीडीए के वो वहाँ पे नाले में एक माँ की और बच्चे की मौत हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीडीए लॉ एंड ऑर्डर जो एलजी जिसके लिए जिम्मेदार है वो दोनों काम नहीं करेंगे, उसके अलावा सारे काम करेंगे, दखलंदाजी करेंगे, कभी दिल्ली के किसी मंत्री को लव लेटर भेजेंगे। हम कह रहे हैं आपसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर डीडीए नहीं संभाल पा रहा, आप इस्तीफा दीजिए। आज धरना उसी के लिए है। देखिए एक बच्चे की हत्या हुई है और उस बच्चे को उसकी माँ बचा रही थी, उस नाले में उसकी माँ भी गिर गई है। दिल्ली में दो बच्चों की, दो माँ बेटे दोनों की हत्या हुई है, इसका जवाबदेही कौन होगा आखिर में? रोज में रोज दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं। पूरे जब हम इलेक्शन जब ये बरसात आने वाली थी हमने कई बार सारे अधिकारियों को बोला, कमिश्नर को बोला, सबको बोला कि दिल्ली के नालों को साफ करवाया जाए लेकिन दिल्ली के एक भी नाले साफ नहीं हुए। मैं खुद काउंसलर हूँ, मेरे वार्ड के एक भी नाले साफ नहीं हुए। सारे डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिखा दिए, सारे नाले साफ हैं, एक भी नाले साफ नहीं हुए। पूरी दिल्ली भर रही है पूरी तरीके से और एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के एलजी साहब दिल्ली को नहीं चला पा रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर लाना चाहिए क्योंकि बेहतर सरकार को केजरीवाल ही चला रहे हैं। ये हर चीज में केजरीवाल जी को दोषी देते हैं, हर चीज में दिल्ली सरकार को दोषी देते हैं। अब दो माँ बेटों की हत्या हुई है, इनको कौन इसका हत्यारा है? दिल्ली के एलजी साहब है तो मुझे लगता है दिल्ली के एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसमें जीडीए के जो भी अधिकारी है उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए दिल्ली के एलजी जो हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। अफसरों को कंट्रोल करके दिल्ली के सारे काम रुकवा रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं कहने के लिए कि एलजी महोदय आप इस्तीफा दीजिए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का इतना शौक है तो आप इस्तीफा दीजिए और मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए। क्यों आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के सारे काम रोक रहे हैं? डीडीए जो है वो सीधे सीधे एलजी के अंडर आता है। डीडीए के वो वहाँ पे नाले में एक माँ की और बच्चे की मौत हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीडीए लॉ एंड ऑर्डर जो एलजी जिसके लिए जिम्मेदार है वो दोनों काम नहीं करेंगे, उसके अलावा सारे काम करेंगे, दखलंदाजी करेंगे, कभी दिल्ली के किसी मंत्री को लव लेटर भेजेंगे। हम कह रहे हैं आपसे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर डीडीए नहीं संभाल पा रहा, आप इस्तीफा दीजिए। आज धरना उसी के लिए है।